हेलो स्टूडेंट्स इन दिस वीडियो आई विल डिस्कस अबाउट टू दी वेव पार्टिकल मैटर वेव्स क्या हैं उनका क्या बेसिक कंसेप्ट है और उनसे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस एंड ऑब्वियसली द मेन कंसेप्ट सो दैट यू कैन सॉल्व दी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम रिलेटेड टू वेव पार्टिकल ड्यूएलिटी And uh, objective questions, whether they are so type or uh, uh, one answer type or multiple, uh, after watching this video, that concept obviously will clear to you. So de Broglie wave actually uh, was given this hypothesis in 1924 uh, by the de Broglie. So according to this hypothesis, actually uh, it was assumed that कि जो पूरा यूनिवर्स है एंटायर यूनिवर्स इज कम्पोज ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ द रेडिएशन एंड मैटर सो मेन हाइपोथेसिस ये थी और यहाँ से जो है डी ब्रोगली वेवलेंथ का ओरिजिन हुआ और वहाँ कहा गया कि जितने भी मटेरियल पार्टिकल्स हैं जो मूव करते हैं जिनके पास मोशन है दे हैव वेव नेचर सो दिस इज मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ इट एक तो ये पार्ट रहा कि जो पूरा यूनिवर्स है वो रेडिएशन और, तो और, और मैटर से मिल के बना हुआ है तो वो पूरी कंपोजिशन जो इसकी यूनिवर्स की आप देखते हैं अपने चारों ओर वो रेडिएशन और मैटर से मिल बना हुआ है और ये बहुत बड़ी हाइपोथेसिस थी और फिर इसके बेस पर आर डी ब्रोगली को नोबेल प्राइज़ मिला अब यहाँ हम देख लेते हैं कि पॉइंट क्या है जितने भी मैटेरियल पार्टिकल्स हैं या मेटेरियलिस्टिक बॉडीज़ हैं उनको जब हम कैरेक्टराइज करते हैं या जब उनको स्टडी करते हैं कैरेक्टराइजेशन मतलब उनकी जब स्टडी करते हैं तो वहाँ दो पैरामीटर बड़े इंपॉर्टेंट हैं एक एनर्जी और दूसरा मोमेंटम इसी टाइप से जब रेडिएशन को हम लोग स्टडी करते हैं उसको कैरेक्टराइज करते हैं तो उसके लिए एक फ्रीक्वेंसी और दूसरा वेव ये इम्पोर्टेंट पैरामीटर हैं तो ये हम लोगों को अपने माइंड में रखना चाहिए कि जब मेटेरियलिस्टिक पार्टिकल को स्टडी करते हैं तो वो दो पैरामीटर कौन से हैं एक है एनर्जी और मोमेंटम दूसरा कि रेडिएशन को जब हम कैरेक्टराइज करते हैं जब उसको स्टडी करते हैं तो उसके लिए मेन इम्पोर्टेंट जो पैरामीटर्स हैं वो क्या है फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ तो यहाँ डिब्रोगली ने क्या किया सबसे पहले फोटोन को कंसिडर किया एज ए पार्टिकल और फोटोन जो है वो एज यू नो दैट कि जो लाइट है वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है लेकिन लाइट के अंदर जो एनर्जी ट्रेवल करती है एक जगह से दूसरी जगह इन टर्म्स ऑफ द पैकेट एनर्जी के छोटे छोटे पैकेट्स हैं उनको फोटोन बोलते हैं तो एक फोटोन की जो एनर्जी है उसको रिप्रेजेंट करते हैं एच न्यू से और यहाँ वेव की टर्म में अगर फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं तो न्यू जो है वो सीएपोन लेमडा के है राइट right? तो किसी भी फोटोन के लिए जब इसको ड्राइव किया गया रिजल्ट को डी ब्रोगली वेव को ड्राइव किया तो वहाँ सबसे पहले एज्यूम किया एनर्जी ऑफ दैट फोटोन विच इज इक्वल टू एच न्यू और न्यू यहाँ जो है वो सी अपॉन लेमडा के है सी स्पीड ऑफ द लाइट है और लैम्डा इज दी वेव लेंथ है इन केस ऑफ द फोटोन बिकॉज फोटोन ऑलवेज ट्रेवल विद द स्पीड ऑफ लाइट तो सी जो है वो स्पीड ऑफ लाइट है राइट right? सो so, ये पहले दो फार्मूले हम लोगों ने कंसिडर किए अब नेक्स्ट पॉइंट नेक्स्ट पॉइंट क्या है भाई वो है मास ऑफ फोटोन अब फोटोन का जो मास है फोटोन जो है वो मासलेस पार्टिकल है फोटोन का जो एक्चुअल मास है जैसे कि हम देखते हैं वो एम इज इक्वल टू जीरो है राइट right? फोटोन जो है मासलेस पार्टिकल है बट इसका रिलेटिविस्टिक मास हम लोग कंसिडर करते हैं और जिसको डिफाइन करते हैं ई अपॉन सी स्क्वायर के थ्रू और ई e यहाँ जो है वहां पर उसकी एनर्जी है एच न्यू अपॉन सी स्क्वायर सो इफ वी नो द मास ऑफ द फोटोन सो वी कैन डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ मोमेंटम सो मोमेंटम क्या होगा मास इन टू वैल्यूसिटी सो वी नो मास जो अभी अभी ड्राइव किया है ये पार्ट ये मास है तो एच सी अपॉन सी स्क्वायर एच न्यू अपॉन सी स्क्वायर ये क्या हुआ मास ऑफ दी फोटोन वेलोसिटी क्या है उसकी स्पीड स्पीड वेलोसिटी क्या है ये सी तो जब मोमेंटम यहाँ फोटोन का फाइंड आउट करेंगे तो मास की वैल्यू आप पुट कर देंगे और उसकी वेलोसिटी जो कि स्पीड ऑफ लाइट से सी से हम डिनोट करते हैं तो यहाँ सी की एक पावर कैंसिल आउट हो जाएगी और आपको जो रिजल्ट मिलेगा ट विल बी एच न्यू अपॉन सी अब न्यू की जो वैल्यू है वो अपपुट करेंगे तो ये होगा सी अपॉन लैमडा तो रिजल्ट जो आ जाएगा न्यू इज इक्वल टू सी अपॉन लैमडा है तो जब ये वैल्यू यहां पुट करेंगे तो ये एच तो पहले ही है और ये सी पहले तो अब ये सी अपॉन लैमडा रखेंगे तो सी कैंसल आउट हो जाएगा एंड यू विल गेट दिस एच अपॉन लेमडा बाई दिस वे सो P is equal to H upon lambda. ये रिजल्ट ऑब्जर्व हुआ p मोमेंटम है और लैमडा वेव लेंथ है अब इस आइडिया को जनरलाइज किया गया जो मेटेरियलिस्टिक पार्टिकल हैं राइट जो किसी मैटर से मिलकर के बना हुआ जो एटम के ग्रुप से मिलकर के बना हुआ है आप ऐसा समझे तो ये जो एक फार्मूला है जिसके बेस पर नोबेल प्राइज़ मिला हुआ है तो ये कोई छोटा फार्मूला नहीं है बच्चों लेमडा जो है ये इस साइड जो है आप देखते हैं वो ए रेडिएशन को इंडिकेट करता है और इस साइड राइट हैंड साइड जो है वो मोमेंटम वो मैटर को डिनोट करता है तो इनके बीच जो रिलेशनशिप है रेडिएशन और मैटर का उसके बेस पे जो है इसका आ, वैल्यू है इसकी सिग्निफिकेंस है तो जब लैमडा इज इक्वल टू एच अपोन पी हम लोग तो फार्मूले की फॉर्म में देखते हैं ना कि हम लोगों को फार्मूला मिला हुआ है लैम्डा इज इक्वल टू एच अपोन पी तो ये फार्मूला जो ड्राइव हुआ ये बेसिक कंसेप्ट ऑफ दी फोटोन से ड्राइव हुआ और यहाँ पर पी जो है मोमेंटम ऑफ दी फोटोन था उसके बेस पर इसको ड्राइव किया तो वो एच न्यू अपोन सी है राइट right, तो यहाँ ये हम लोगों ने ये ड्राइव कर लिया है तो इसमें तो अब कोई प्रॉब्लम नहीं है हम लोगों के पास में फार्मूला लेमडा इज इक्वल टू एच अपॉन पी है और इस फार्मूले को हम लोगों ने करना क्या है किसी पार्टिकल के लिए या किसी मैटरियलिस्टिक पार्टिकल के लिए या किसी मैटर के लिए किसी बॉल के लिए आ, किसी जैसे आपको आइडिया तो हो चुका है क्योंकि अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो अब तक तो आपको ये बेसिक आइडिया हो चुका है तो कोई भी अगर एक छोटा सा पार्टिकल इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन एल्फा पार्टिकल व्हाट एवर द पार्टिकल्स आर और व्हाट एवर द मैटर इज राइट सो एट एनी सिचुएशन एट एट एनी टाइम यू कैन इम्प्लीमेंट दिस ये जो डी ब्रोगली वेवलेंथ का फार्मूला है राइट right? तो यहां जब ये फार्मूला हम देखते हैं लेमडा इज इक्वल टू तो एच अपॉन पी एच अपॉन एम बी ये मेटर पार्टिकल के लिए जो भी कोई मैटर का पार्टिकल होगा या मैटर होगा इट उसके लिए ये फार्मूला यूज होगा लैमडा इज इक्वल टू एच अपॉन एम बी राइट तो ये ध्यान रखना आप कि फोटोन के केस में आप पी कंसिडर जो कर रहे हैं तो वहां पर उसका मास एक्चुअल में जीरो है लेकिन वो मास जो आपने फाइंड आउट किया है वो रिलेटिविस्टिक मास के बेस पे आपने फाइंड आउट किया या एनर्जी के पैकेट की ट्रम के बेस पे फाइंड आउट किया इस इस वे में एनर्जी के थ्रू राइट सो यहां ये यह जो फार्म फार्मूला लैमडा इज इक्वल टू एच अपॉन एम भी हम लोग यूज कर रहे हैं यहाँ पर मास M, डिनोट करता है किसी पार्टिकल का जो मासिव पार्टिकल है जैसे कि हम अपनी जिसको आंखों या बिना आँख के देख सकते हैं लेकिन उसके पास कुछ ना कुछ मास है वीज दी वेलोसिटी इफ सपोज वी जो है जीरो हो जाए पार्टिकल जो है वो अपनी एक रेस्ट की पोजीशन पे होगा तो उस केस में जो है लेमडा जो होगा वो इनफाइनाइट होगा राइट right? तो इसका मतलब यहाँ से एक कंक्लूजन uh, ये निकलता है कि जो वेवलेंथ है या जो डिब्रोगली वेव है वो किसके साथ में एसोसिएट है मूविंग पार्टिकल के साथ में एसोसिएट है आई होप कि ये बेसिक आइडिया अब आपको हो चुका होगा जी इक्वल टू एच अपॉन एमवी एम वी अब हम जो है मेटेरलिस्टिक पार्टिकल के लिए यूज कर रहे हैं यहाँ आप कुछ केसिज आएंगे केसिज क्या है कि ये जो फार्मूला है कितनी फॉर्म में आप इसको देख सकते हैं लेमडा इज इक्वल टू एच अपोन पी स्टैंडर्ड फार्मूला हुआ फिर जनरलाइज़ uh, किया किसी भी मेटेरियलिस्टिक पार्टिकल के लिए तो वो होगा एच अपोन एम वी अब हमको ये जो डी ब्रोगली फार्मूला है ना जो हम लोग जहाँ मैटर देखते हैं अपने चारों तरफ जो चीज़ें देखते हैं उसके लिए इम्प्लीमेंट करना है तो उसके लिए इम्प्लीमेंट करने के लिए हम लोगों के पास कितनी पॉसिबिलिटीज़ हैं जहाँ पर हम जो ये एम वी है उसको ऑब्जर्व करते हैं तो डिफरेंट डिफरेंट केसेज हैं वो आपको माइंड में रखना चाहिए कि कौन सा फार्मूला किस जगह इम्प्लीमेंट होगा तो केस फर्स्ट क्या है तो फर्स्ट केस में यह है कि कोई भी मूविंग पार्टिकल है राइट right? जिसके पास कुछ एनर्जी होगी ऑब्वियसली तो एक पार्टिकल है जो वी वेलोसिटी से चल रहा है तो जब ये पार्टिकल मूव करेगा तो इसके पास ऑब्वियसली काइनेटिक एनर्जी होगी जिसको हम डिफाइन करते हैं वन बाई टू एम बी स्क्वायर से ऑन दी अदर हैंड साइड आप काइनेटिक एनर्जी आप लिखते हैं तो काइनेटिक एनर्जी हुआ वन बाई टू एम अगर आप इसको दोनों साइड से आ, m से मल्टीप्लाई कर देंगे तो m इन टू काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वन बाई टू एम स्क्वायर तो इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर दें इन टर्म्स ऑफ p, तो टू एम इंटू काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू एम स्क्र वी स्क्वायर दैट इज इक्वल टू पी स्क्र सो नो पी का जो वैल्यू है पी इज इक्वल टू यू कैन राइट टू मास ऑफ दैट पार्टिकल एंड काइनेटिक एनर्जी सो पी लेमडा इज इक्वल टू एच अपोन पी तो अब इस फार्मूले को आप रख सकते हैं लेमडा इज इक्वल टू एच अपोन स्क्वायर रूट टू एम मास ऑफ दैट पार्टिकल एंड काइनेटिक एनर्जी अब ये पहला केस है और ये पहला फार्मूला है डी ब्रोगली बी के लिए किसी भी मेटरलिस्टिक पार्टिकल के लिए अगर वो वी वेलोसिटी से चल रहा है तो ये पार्टिकल कौन सा हो सकता है ये पार्टिकल कोई भी हो सकता है जिसके पास में चाहे वन के जी मास है और चाहे वो वन ग्राम है कुछ भी है और चाहे वो लाइक इलेक्ट्रॉन है चाहे प्रोटोन है इतना लाइट मास का पार्टिकल भी हो सकता है और हैवी मास का पार्टिकल भी हो सकता है अगर वो वी वेलोसिटी से चल रहा है तो उसके लिए जो फार्मूला यूज करेंगे आप वो होगा लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन स्क्वायर रूट टू एम द मास ऑफ दैट पार्टिकल एंड काइनेटिक एनर्जी राइट एच प्लांक कॉन्स्टेंट है इसकी वैल्यू स्टैंडर्ड है सिक्स पॉइंट सिक्स फोर टेन रेज पावर माइनस थर्टी फोर सेकेंड यूनिट uh, ध्यान रखना है यूनिट जो है ना वो जूल और सेकेंड में है राइट right? समटाइम्स क्या होता है कि बच्चे जो है वो उसको जूल पर सेकेंड कर देते हैं नो दिस इज जूल सेकेंड राइट सिक्स पॉइंट सिक्स फोर या सिक्स पॉइंट सिक्स थ्री अभी मैंने सिग्निफिकेंट नंबर में लिख दिया सिक्स फोर तो ये सिक्स पॉइंट सिक्स थ्री भी होगा इंटू टेन रेज पावर माइनस थ्री फोर तो पहला फार्मूला आई होप कि क्लियर है सब आप जो भी वीडियो देख रहे हैं या किस तरीके से इस सब फार्मूले को ड्राइव किया तो वो ये साइड आप ऑब्जर्व कर सकते हैं अब नेक्स्ट केस क्या होगा नेक्स्ट केस ये है कि आपने डेविसन और जर्मर एक्सपेरिमेंट इस चैप्टर के अंदर पढ़ लिया होगा और नहीं अगर आपको आइडिया क्लियर है तो इसका एक डिटेल जो है मैं अपनी वेबसाइट पर अवेलेबल करा चुका हूँ तो वो लिंक मैं यहाँ प्रोवाइड कर दूँगा और उसको आप देख भी सकते हैं एट दी टॉप कि अगर आपको मोर डिटेल उसका और भी पढ़ना है क्योंकि वो रिसर्च आर्टिकल जो डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट है उसी से लिया है डायरेक्टली और वहाँ से आप और ज़्यादा डेप्थ में उसको पढ़ सकते हैं जो डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट है उसकी डिटेल और उसकी इक्विजीज वो सेपरेटली जो वेबसाइट है उस पर अवेलेबल है तो उसको आप वहाँ से देख सकते हैं तो अब केस क्या है केस ये है सेकेंड केस क्या है कि एक इलेक्ट्रॉन है उसको हमने एक्सेलरेट किया है एक पोटेंशियल डिफरेंस के अंदर या पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर दिया है और उसको जो है आ, उसको उसकी एनर्जी बढ़ा दी है राइट तो उसको एक्सेलरेट कर दिया है तो जैसे कि डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट में था आ, फिलामेंट से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं और फिर आप उसको आ, जो पॉजिटिव आपका इलेक्ट्रोड है उसकी तरफ को अट्रैक्ट करते हैं तो जितना हायर पोटेंशियल आप देंगे उतनी ही स्पीड से वो मूव करेंगे तो एक्सेलरेट होंगे तो इन सच टाइप ऑफ जो सिचुएशंस हैं ये सेकंड केस है जहां पर आप एक पोटेंशियल अप्लाई करेंगे और उस पोटेंशियल से जो है आपका वो पार्टिकल जो है चार्ज पार्टिकल है ऑब्वियस कि वो एक्सेलरेट होगा तो इस केस में जो उसकी काइनेटिक एनर्जी होगी उसको हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में डिफाइन करते हैं राइट right? तो यहाँ काइनेटिक एनर्जी जो होगी ऐसे चार्ज पार्टिकल की वो इन टर्म्स ऑफ द इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी तो अभी जो आपने फार्मूला देखा है तो वहाँ वो काइनेटिक एनर्जी को आप इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिख सकते हैं तो फार्मूला क्या था पहला फार्मूला क्या था लैमडा इज इक्वल टू एच अपॉन स्क्वायर रूट टू एम इन टू काइनेटिक एनर्जी सो इंस्टेड ऑफ दिस काइनेटिक एनर्जी नाउ आप क्या रखेंगे एच अपॉन ये स्क्वायर रूट टू एम ई एंड तो ये पहला फार्मूला किसी भी नॉर्मल पार्टिकल के लिए मेट्रलिस्टिक पार्टिकल के लिए और ये सेकंड फार्मूला और ये जो है ओरिजिन है फार्मूले का ये बेस है फार्मूले का तो इस तरीके से अभी यहां हम लोग देख रहे हैं कि तीन फार्मूले हम लोगों के पास में हो चुके हैं अब ये जो आपका ये पर्टिकुलर फार्मूला है इसमें यहाँ आप देख रहे हैं कि एच जो है वो प्लांक कॉन्स्टेंट है एम जो है वो मास ऑफ द पार्टिकल है जो चार्ज पार्टिकल है और ई e उसका चार्ज है राइट वी दैट पोटेंशियल डिफरेंस है एट विच द पार्टिकल बेसिकली वाज एक्सेलरेटेड सो दिस एच इज द द्लांगस्टेंट और इसकी जो वैल्यू है वो आपको याद भी रखना चाहिए जैसे कि लास्ट टाइम मैंने बताया सिक्स पॉइंट सिक्स फोर इंटू टेन रेज पावर माइनस थर्टी फोर जबुल सेकेंड और ई e, अब uh, ये इलेक्ट्रॉन है प्रोटॉन है ये अल्फा पार्टिकल है पॉजिटिव या दूसरा uh, कोई पॉजिट्रॉन टाइप पार्टिकल है वट टाइप ऑफ पार्टिकल बेसिकली इज़ दैट सो अकॉर्डिंग टू दैट यू हैव टू कंसिडर द चार्ज एंड चार्ज इन केस राइट नाउ सपोज आई कंसिडर इलेक्ट्रॉन तो इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होगा वन पॉइंट सिक्स इंटू टेन रेज पावर माइनस नाइन्टीन एंड मास ऑफ दी इलेक्ट्रॉन जो होगा वो होगा नाइन पॉइंट वन इंटू टेन रेज पावर माइनस थर्टी वन के जी सो इन दिस सिचुएशन अभी जो है जब ये वैल्यूज हम यहाँ पे रखेंगे तो जो हम लोगों के पास में जो स्टैंडर्ड फार्मूला मिलता है जब इन सब की वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे तो वो ट्वेल्व पॉइंट टू सेवन अपॉन स्क्वायर रूट वी इस फॉर्म में ये वैल्यू मिलेगी आपको तो ये स्टैंडर्ड फार्मूला है व्हेनेवर एवर यू गेट दिस काइंड ऑफ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जहाँ किसी पार्टिकल को एक्सेलरेट किया था तब ये आप डायरेक्ट फार्मूला इसको यूज कर सकते हैं 12.27 पॉइंट टू सेवन अपॉन स्क्वायर रूट वी वी इज द कैपिटल वी जो है वो वोल्टेज है एंगे ये जो होगा वन एंगे इज इक्वल टू टेन रेज पावर माइनस टेन मीटर राइट right, तो ये वेवलेंथ हुआ लेमडा जो डी ब्रोगली वेवलेंथ हुआ है वो कितना होगा तो किसी भी पार्टिकल के लिए सेकंड दिस वाज दिस सेकंड केस राइट आई होप कि अब ये आइडिया और ये दो फार्मूले आपको क्लियर हैं कि पहला फार्मूला ये दूसरा फार्मूला ये है और तीसरा फार्मूला ये है जब आपके पास में किसी पार्टिकल को एक्सेलरेट किया तीसरा केस क्या है तीसरा केस काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के अंदर कोई भी जैसे इलेक्ट्रॉन गैस है अब इट डिपेंड्स ऑन दी सिचुएशन ऑफ द फिजिक्स जब हम लोग स्टडी करते हैं तो वो केस कहाँ पर अवेलेबल है तो जो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस लगाई कहीं इलेक्ट्रॉन गैस पर एक सिस्टम है हम लोगों के पास में वहाँ पर इलेक्ट्रॉन क्लाउड है या इलेक्ट्रॉन गैस हम उसको बोलते हैं जब बायोमेट्री सोलिड स्टेट को स्टडी करते हैं तो वहाँ जो काइनेटिक एनर्जी होगी ऑफ दैट पार्टिकल उसको हम डिफाइन करते हैं थ्री बाई टू इन के टी के बी जो है बोल्जमान कॉन्स्टेंट है और टी जो है वो टेम्परेचर है एट विच बेसिकली वी आर डिफाइनिंग द काइनेटिक एनर्जी ऑफ दैट पार्टिकल राइट तो यहाँ पर ये जो सिचुएशन है जब गैसेस की फॉर्म में हम किसी पार्टिकल को कंसिडर कर रहे हैं तो ये स्टैटिस्टिक्स के अंदर आ सकता है थर्मल के थर्मोडाइनमिक्स के अंदर आ सकता है और वहाँ पर आपने पढ़ा होगा Kinetic energy of the particle is three by two kbt. Kb is the Boltzmann constant and t is the temperature. So again, if you want to put the value, so what was the formula? Repeat it. Second formula, what was that? Square root two m into kinetic energy. Second formula was second case. According to the second case, it was two m. E and V. And now we have to put the kinetic energy value here according to this situation. The case is h upon square root 2m into 3 by 2 this Boltzmann constant kBT. So, 2 cancel out and uh, you will get here this h upon square root 3m kBT. डी ब्रोगली वेव लेंथ फॉर दाइट सो अब ये जो पार्टिकल होगा जिसका मास एम होगा के बी बोल्जमान कॉन्स्टेंट होगा टी अगेन टेम्परेचर होगा एच इज द्लान कॉन्स्टेंट है तो ये थर्ड केस हो सकता है और इसके बेस पे बच्चे आपको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम मिल सकती है तो यहां ये थ्री केसेज इन जनरल हम लोग देखते हैं और इस टाइप से ये आप फार्मूले याद रख सकते हैं लेमडा इज इक्वल टू एच अपॉन पी ये डी ब्रोगली की हाइपोथेसिस थी इसके बाद इस फार्मूले को जनरलाइज किया गया मेट्रलिस्टिक पार्टिकल के लिए तो वो फार्मूला लेमडा इज इक्वल टू एच अपॉन एम बी अब थ्री डिफरेंट केसेस जो हम लोग अपने चारों तरफ का जो एनवायरनमेंट है वहाँ पर पॉसिबिलिटीज़ देखते हैं पार्टिकल की कि वो जो पार्टिकल इन मोशन है वो कैसे उसको मिली है जब नॉर्मली कोई पार्टिकल मूव करता है तो उसकी जो डी ब्रोकलीवलेंथ होगा वो क्या होगा एच अपोन स्क्वायर रूट टू एम इन टू काइनेटिक एनर्जी राइट तीसरा जो फार्मूला नेक्स्ट जो केस है उसके लिए क्या था जब किसी पार्टिकल को एक्सेलरेट करते हैं e एच अपोन टू एम ई एंड फी फर्दर काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज की जो अगर सिचुएशन आई उस टाइप की कहीं पॉसिबिलिटी है तो वो क्या होगा एच अपॉन स्क्वायर रूट थ्री एम के बी और के बी बोल्जमान कॉन्स्टेंट तो ये हुए बेसिक कंसेप्ट है ऑफ द डी ब्रोगली वेव लेंथ का और उससे रिलेटेड जो फार्मूले हैं तो नेक्स्ट अब फार्मूले आपको क्लियर हो चुका है और बेसिक आइडिया हो चुका है कि डी ब्रोगली वेवलेंथ क्या है और डी ब्रोगली वेव आप कहाँ फाइंड आउट कर सकते हैं और किस पार्टिकल के लिए फाइंड आउट कर सकते हैं तो डी ब्रोगली वेव आप किसी भी मैटेलिस्टिक पार्टिकल के लिए फाइंड आउट कर सकते हैं प्रोवाइडेड उसका मास एंड वेलोसिटी गिवन हो वेलोसिटी इज गिवन दैट मीन्स कि पार्टिकल इज मूविंग तो कोई भी पार्टिकल चाहे वो अर्थ है या कोई दूसरा है आप है या कोई हैवी ऑब्जेक्ट है या छोटा पार्टिकल है इट डज नॉट मैटर तो डी ब्रोगली वेव जो है वो मैटर के लिए भी हम लोग उसी को जो है यहाँ पर देख रहे हैं अभी तो ये फिर कौन पार्टिकल जो है ड्यूअल नेचर शो करेगा कौन पार्टिकल ड्यूअल नेचर शो नहीं करेगा वो सेकंड केस है ऑफ डिस्कशन का लेकिन अगर अभी ये बात मेरे माइंड में आ चुकी तो वो पॉइंट भी मैं आपको बता ही दूँ कि इन विच सिचुएसन एक्चुअली वो कोई भी पार्टिकल सपोज किया ये कोई ये पार्टिकल है ये पार्टिकल आपका ड्यूअल नेचर शो करेगा किस कंडीशन में करेगा वो क्या कंडीशन है ये कंडीशन ये है कि ये पार्टिकल जो है इस इस डायमेंशन का है तो इसका ये जो साइज है डेल्टा एक्स अगर ये मूव करता है किसी वेलोसिटी के साथ वी तो इसके साथ में जो डी ब्रोगली वेव लेंथ एसोसिएट होगी लैमडा तो ये चाहे लेमडा छोटा या बड़ा डिपेंड्स ऑन दी मास राइट और वी इसके यहाँ पे भी डिपेंड करता है तो मोस्ट ऑफ द टाइम ये जो है एम पे ज़्यादा डिपेंड करता है तो लेमडा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी है राइट आप यहाँ एम इज इक्वल टू आप यहाँ पर वन ग्राम रखें वन किलोग्राम रखें या फिर इलेक्ट्रॉन का केस रखें कि नाइन पॉइंट वन इंटू टेन रेज पावर माइनस थर्टी वन के जी तो यू कैन अंडरस्टैंड कि आप वी आप यहाँ पे थ्री इंटू टेन रेज पावर फाइव मीटर पर सेकेंड रखें जो अर्थ की स्पीड है इन ऑल दसेज आप जब वन ग्राम लिख रहे हैं या वन किलोग्राम लिख रहे हैं तो क्या फर्क पड़ेगा ये काफ़ी बड़ी वेव लेंथ मिलेगी आपको ना राइट कोरस्पॉन्ड टू दिस वेट ये जो मास आप कंसिडर कर रहे हैं तो लेकिन जब आप ये वेव यहाँ मास यूज करेंगे तो उस केस में जो है क्योंकि एच की यूनिट क्या है एच टेन रेज पावर माइनस थर्टी फोर है अपर साइड अब मुझको नहीं पता कि अभी आप इस चीज़ को इतनी जल्दी पकड़ पा रहे हैं या नहीं लेकिन अगर ये आइडिया आप पकड़ लिए सिक्स पॉइंट ये थ्री फोर इन टेन रेज पावर माइनस थर्टी फोर ये टेन रेज पावर माइनस थर्टी फोर है एम जो है टेन रेज पावर अगर मैं इलेक्ट्रॉन का केस कंसिडर करता हूँ तो माइनस थर्टी वन हो जाएगा तो और यहाँ पर वेलोसिटी भी कुछ ना कुछ होगी उसकी ना तो ये सब जब आप देखते हैं तो लेमिडा की एक कोई आपको वैल्यू मिलती है इन एंगस्ट्रॉम ट मींस ऑफ दावर माइनस टेन मीटर सो ये यहां एक जो चीज मैं आपको बता रहा था कि भाई ये साइज ऑफ दैट पार्टिकल इफ कम्पेरेबल इफ डेल्टा एक्स इज कंपेरेबल टू द डिब्रोगली वेव लेंथ ओनली देन वो जो पार्टिकल है ना वो आपका ड्यूअल नेचर शो करेगा ये कंडीशन है राइट right? तो ये ये आपको ध्यान रखना चाहिए यहाँ पर इस बात को अभी थोड़ा सा ये जब मैं कैलकुलेशन कर रहा था आई डोंट नो कि आपकी अभी कितना फोकस है या आप कितना पकड़ पाए हैं उस पॉइंट को या अभी साथ में चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं क्योंकि मुझको लगा कि आ, किस पार्टिकल कौन से पार्टिकल जो हैं वो ड्यूअल नेचर शो करेंगे और कौन से पार्टिकल ड्यूअल नेचर शो नहीं करेंगे तो जब आप ये वैल्यू वहाँ पर पुट करके देखेंगे इसको आप ऑब्जर्व करके देखेंगे तो यू विल गेट दी आइडिया बेसिक आइडिया और इन डेप्थ भी कि वो जो डी ब्रोगली वेव है उसका कंसेप्ट क्या था राइट right? तो मेन जो फैक्ट है यहाँ पर जो अभी कंक्लूजन में मैं बता रहा हूँ वो ये है कि अगर किसी भी पार्टिकल का जो साइज है अगर वो डी ब्रोगली वेव के इक्वल हो जाता है तो ओनली इन दैट केस वो ड्यूअल नेचर शो करेगा अगर वो उसके कंपेरेबल हुआ अदरवाइज़ तो सो so नहीं करेगा तो आप कोई भी ऐसे वैल्यू पुट करके देख सकते हैं जैसे मैंने यहाँ एग्जाम्पल दिया तो इस एग्जाम्पल में ये मास है और ये वेलोसिटी है राइट right? ये वेलोसिटी मैंने इसलिए ली कि ये अर्थ की स्पीड है एक्चुअली अराउंड दी सन तो कोई भी पार्टिकल आप कंसिडर कर सकते हैं इससे कम स्पीड का या ज़्यादा स्पीड का दैट्स योर चॉइस बट अगर इसके साथ भी कंसिडर करेंगे तो उसके साथ जो डी ब्रोगली वेव लेंथ आएगी तो उसके बेस पर आप कंपेयर uh, कर सकते हैं आई होप कि ये uh, आइडिया आपने कैच किया होगा इन टू दी कैलकुलेशन अभी जो हम लोग करेंगे फॉर दी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स और uh, कितना uh, देर तक आप मेरे साथ में रह सकते हैं और कितनी देर के लिए आप फोकस कर पाएंगे कि मैं जो बोल रहा हूँ वो आपके रेलिवेंट है या नहीं है आपको समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है या आपने जस्ट इसको स्किप करके देखा है तो ऑल दीज पॉइंट्स बेसिकली मैटर्स अगर साथ में चलेंगे और आपका पेशेंस रहा और आपने अब पकड़ के रखा तो आई होप कि कुछ तो आपको मिलेगा और अब जैसे कि यहाँ पहला न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है फार्मूले अब आपको भी क्लियर हो चुके हैं कि तीन फार्मूले जैसे मेजर मेजर आपने देखा थ्री केसेस के बेस पे तो यहाँ मैं साइड में एक बार लिख भी दूँ लेमडा इज इक्वल टू एच अपॉन पी पी इज इक्वल टू एम वी ये तो बेस फार्मूला हुआ लेमडा इज इक्वल टू आप ही बता दें मुझको कि मैं आप फर्स्ट केस में क्या लिखूँगा एच अपॉन स्क्वायर रूट टू एम यहाँ क्या लिखना है काइनेटिक एनर्जी गुड सेकंड फार्मूला सेकंड केस के लिए एक्सेलरेटेड इलेक्ट्रॉन के लिए एच अपॉन स्क्वायर रूट टू एम ई वी और डायरेक्टली 12.27 अपॉन स्क्वायर रूट वी और ये सभी जो विवलेंथ आएंगे आपकी लेमडा वो उनकी यूनिट जो लिखेंगे आप एंगस्ट्रॉम में लिखेंगे दैट मीन्स इन मीटर होती है जो रिजल्ट आप लिखेंगे यहाँ पे उसको बाद में कन्वर्ट किया है इन टू दी एंगस्ट्रॉम और नेक्स्ट थर्ड केसेस के अकॉर्डिंग जो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज था उसके अकॉर्डिंग फार्मूला क्या होगा एच अपॉन स्क्वायर रूट टू आएगा या थ्री थ्री और मास आएगा कि नहीं आएगा मास ऑफ दैट पार्टिकल बोल्जवान कॉन्स्टेंट आएगा आएगा टेम्परेचर आएगा तो ये अभी फार्मूले हैं तो पहला न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जब भी हम सॉल्व करते हैं तो अब हम लोगों को पता होना चाहिए कि भाई वो जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है वो किस टॉपिक की है तो यहाँ टॉपिक तो क्लियर है कि वो डी ब्रोगली वेवलेंथ से रिलेटेड है और अभी उसी का बेसिक टॉपिक चला है तो ऑब्वियस है कि इसी उस टॉपिक से होगी तो इससे रिलेटेड कितने फार्मूले हैं इफ़ वी नो दोज फार्मूले कि वो फार्मूले हमें पता है तो फिर हम लोगों को प्रॉब्लम क्या आएगी कि वो जो पैरामीटर फार्मूले के अंदर दिया है वो उसमें गिवन है या नहीं है और अगर अननोन है तो उसको कैसे इसमें से हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं राइट right. तो कैलकुलेट द डी ब्रोगली वेव लेंथ द इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटोन तो हम लोगों को लेमडा ई एंड लेमडा पी फॉर द इलेक्ट्रॉन एंड फॉर द प्रोटोन फाइंड आउट करना है डायरेक्ट क्वेश्चन तो अब प्रोटोन मूविंग विद सेम स्पीड ऑफ रेज पावर फाइव मीटर पर सेकेंड सो यहां क्या दिया है वेलोसिटी दे दिया है वेलोसिटी कितनी रेज पावर फाइव मीटर पर सेकेंड और ये दोनों पार्टिकल इलेक्ट्रॉन भी और प्रोटोन भी ये कितनी स्पीड से चल रहे हैं ये बोथ आर मूविंग विथ सेम स्पीड एक ये दे दिया वेलोसिटी दे दिया गुड अब उसके बाद में क्या दिया मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन भी दे दिया है और मास ऑफ द प्रोटोन भी गिवन है एच प्लांग कॉन्स्टेंट भी गिवन है फाइंड आउट क्या करना है डी ब्रोगली वेवलेंथ फॉर द इलेक्ट्रॉन लेमडा ई इज इक्वल टू एच अपॉन MV. ये फार्मूला आप यूज करेंगे या यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी निकालना शुरू कर देंगे कि बताओ अभी ये भी फार्मूला यहाँ पे यूज हो सकता है और ये फार्मूला भी तो आप कौन सा फार्मूला यूज करेंगे एच अपॉन स्क्वायर रूट टू एम काइनेटिक एनर्जी का या डायरेक्ट एच अपॉन एम वी का ऑब्वियस है आप इस फार्मूले को प्रिफर करेंगे लेकिन ये तभी हो सकता है इस टाइप की ये छोटा सा एक लाइन आती है एक्चुअली कन्फ्यूजन की और ये तब हो जाता है गलती हमसे अगर हम लोग प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो यहाँ भी आपने पढ़ लिया होगा या प्रैक्टिस की होगी तो नाउ यू कैन पुट दी फार्मूला डायरेक्टली तो एच इज इक्वल टू ये आपने वैल्यू रखी इसकी सिक्स पॉइंट सिक्स थ्री टेन पावर माइनस थर्टी फोर जाउल सेकेंड और मास नाइन पॉइंट वन इंटू टेन रेज पावर माइनस थर्टी वन के जी एंड वेलोसिटी टेन रेज पावर फाइव मीटर पर सेकेंड सो यू हैव टू कन्वर्ट दिस जूल इंटू द किलोग्राम मीटर एंड सेकेंड एंड देन आफ्टर यू कैन राइट दैल्यू इन टर्म्स ऑफ ओनली द मीटर सिंप्लीफाई हो जाएगा यहाँ से तो ये वैल्यू आएगी इलेक्ट्रॉन के लिए और सिमिलरली यू कैन पुट दी वैल्यू ऑफ प्रोटोन प्रोटोन का जो मास है वो डिफरेंट है वो ज़्यादा है एज कम्पेयर टू द इलेक्ट्रॉन सो दिस लेमडा पी इज इक्वल टू एच एम पी वी यहाँ मुझको इलेक्ट्रॉन का लिखना चाहिए ऐसे सिक्स पॉइंट सिक्स थ्री इंटू टेन रेज पावर माइनस थर्टी फोर जो सेकेंड अपॉन मास वन पॉइंट सिक्स सेवन इंटू टेन रेज पावर माइनस ट्वेंटी सेवन के जी इंटू टेन रेज पावर फाइव मीटर पर सेकेंड एंड नाउ यू कैन सोल्व दी दिस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम ये वैल्यूज़ आप सॉल्व करें तो जो रिजल्ट है वो आप देख सकते हैं अगर मैं डायरेक्ट uh, यहाँ इसको uh, इनकी जो वैल्यूज़ हैं इनके यूनिट के बेस पे पावर की बेस पे अगर सिंप्लीफाई करूँ तो ये जो रिज़ल्ट होगा इस रिजल्ट को कैसे आ, अभी आपको आई होप कि ये चीज़ तो समझ में आ रही होगी टेन रेज पावर माइनस अप्रोक्सीमेटली जो वैल्यू आएगी टेन रेज पावर माइनस थर्टी फोर ये ऊपर की साइड में लिखा है ये टेन रेज पावर माइनस थर्टी वन और ये टेन रेज पावर फाइव तो ये हुआ टेन रेज पावर माइनस थर्टी फोर एंड यहाँ कितना बचा ये यहाँ बचा ये ट्वेंटी सिक्स टेन रेज पावर माइनस ट्वेंटी सिक्स माइनस ट्वेंटी सिक्स क्योंकि प्लस के फाइव है तो टोटल जब आ जाएगा वो माइनस के ट्वेंटी सिक्स आ जाएंगे और ये जब आप इसको लिखेंगे टेन रेज पावर माइनस थर्टी फोर ये हो जाएंगे ऊपर जा कर के ट्वेंटी सिक्स तो आपको कितना रिजल्ट मिला ये ऑफ द ऑर्डर ऑफ टेन रेज पावर माइनस एट मीटर के आसपास फर्दर इनको सिंप्लीफाई करेंगे अगर मैं यहाँ कैलकुलेट यूज़ कर कैलकुलेटर यूज़ करूँगा तो कैलकुलेटर यूज करूँगा तो कैलकुलेटर में ये वैल्यू कितनी रखी है सिक्स पॉइंट सिक्स थ्री इंटू इंटू नहीं डिवाइड करना है तो सिक्स पॉइंट उससे पहले ये नाइन पॉइंट वन है सिक्स पॉइंट सिक्स थ्री डिवाइडिड बाई नाइन पॉइंट वन तो रिज़ल्ट कितना है जीरो पॉइंट सेवन टू राइट तो यहाँ आप ये वैल्यू लिख देंगे जीरो पॉइंट सेवन टू इंटू टेन रिज पावर माइनस एट मीटर और ये अप्रोक्सीमेटली जब आप इसको लिखेंगे तो सेवन पॉइंट टू जीरो इंटू टेन रिज पावर माइनस नाइन मीटर और ये अगर मैं कहीं गलती ना कर रहा हूँ तो ये अप्रोक्सीमेटली सेवेंटी टू इंटू टेन रेज पावर माइनस टेन मीटर 72 टू ये इसका सेवन पॉइंट टू इंटू टेन रिज पावर माइनस नाइन मीटर राइट तो इतना है या फिर अगर इसको आपको एंगस्ट्रॉ में लिखना है पूरा का पूरा तो ये सेवेंटी टू हो जाएगा तो ये जो केस आया ये किसके लिए आपने डिफाइन किया है ये किया है इलेक्ट्रॉन के लिए राइट right, तो इलेक्ट्रॉन का जो वेवलेंथ आया उसके साथ में जो डी ब्रोगली वेव है वो ये आया उसी टाइप से आप जो है इसको देखेंगे जब तो ये यहाँ इसको मैं फिर इसको इरेज करके ये फिर अप्रोक्सीमेटली पावर में जो आप देख रहे हैं क्योंकि जो यहाँ प्रोटोन का मास है ना वो इलेक्ट्रॉन के मास से ज़्यादा है और इलेक्ट्रॉन का मास आ, की वजह से वेव इतना आया था और इन केस ऑफ दी जो प्रोटोन है प्रोटोन के केस में अब ये जो वेब आएगी वो कितनी आएगी तो यहाँ ये केस अगर हम कंसिडर करते हैं तो ये टेन रेज पावर माइनस थर्टी फोर डिवाइडेड बाई टेन रेज पावर माइनस ट्वेंटी सेवन इंटू टेन रेज पावर फाइव राइट अप्रोक्सीमेटली तो ये ट्वेंटी माइनस के ट्वेंटी सेवन प्लस के फाइव ये आपके पास बचेंगे माइनस के ट्वेंटी टू तो टेन रेज पावर माइनस थर्टी फोर प्लस ट्वेंटी टू माइनस के ट्वेंटी टू ऊपर जाकर के प्लस के हो जाएंगे तो अप्रोक्सीमेटली आपके पास में जो ये बचेगा वो कितना रिजल्ट बचेगा ये माइनस ट्वेल्व तो ये अब जो वेबलेंथ आएगी और इसको भी अगर आप यहाँ देखते हैं सिंप्लीफाई करके तो सिक्स पॉइंट सिक्स थ्री जब इसको आप देखते हैं सिक्स पॉइंट सिक्स थ्री और डिवाइडेड बाई ये वन पॉइंट सिक्स सेवन इज इक्वल टू थ्री पॉइंट नाइन सेवन तो थ्री पॉइंट नाइन सेवन इंटू टेन रेज पावर माइनस ट्वेल्व मीटर जस्ट इमेजिन और अगर इसको माइनस टेन की फोर में ही रखना है तो क्या करेंगे इसको ये हो जाएगा आपका थ्री नाइन्टी सेवन इंटू टेन रेज पावर माइनस टेन मीटर तो इतनी इतनी छोटी ये थ्री नाइनटी सेवन थ्री पॉइंट नाइन सेवन इंटू टेन रेज पावर माइनस ट्वेल्व मीटर ये इसका आंसर है बेसिक का आंसर है तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि पहले केस में जो हम लोगों को इलेक्ट्रॉन ये प्रोटॉन के केस में है और इलेक्ट्रॉन के केस में था ये सेवन पॉइंट टू एट इंटू टेन रेज पावर माइनस नाइन मीटर तो ये इलेक्ट्रॉन की जो वेव है वो ज़्यादा लार्जर है एज़ कम्पेयर टू दी जो प्रोटोन की वेव है इलेक्ट्रॉन की जो वेव है वो रेज पावर माइनस नाइन है और ये रेज पावर माइनस ट्वेल्व है राइट सो नाउ यू कैन अंडरस्टैंड तो यहाँ से एक अगर आप मेरे साथ में अभी हैं और इस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को देख रहे हैं तो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के बेस पे अगेन द सेम थिंग कम्स ये कि भाई ये जो इलेक्ट्रॉन है अभी यहाँ मैं थोड़ा सा आपको ये चीज़ भी बता दूँ कि इसका बेनिफिट भी होगा आपको कि अगर क्योंकि जो कंसेप्ट अभी यहाँ पे आ जाएगा वो फिर दोबारा नहीं आएगा और उसका बता पाना किसी के लिए भी बड़ा मुश्किल होता है आप जब इलेक्ट्रॉन ये आपका न्यूक्लियस है ये आपका हाइड्रोजन लाइक -like एटम है कि सपोज किया ये एक ही इलेक्ट्रॉन इसमें है दूसरे भी इसमें सेल हो सकते हैं तो यहाँ अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है अभी आपका और ये उसका रेडियल डिस्टेंस है राइट तो हाइड्रोजन का एटम आपने कंसिडर किया तो आप ये इलेक्ट्रॉन जब आप कंसिडर करते हैं जैसे मैं बता रहा था आपको तो ये कहाँ से कहाँ तक आपको मिलेगा तो ये अराउंड दी न्यूक्लियस आपको मिलेगा तो वो आपको डिफाइन क्या करेगा एटम का साइज तो डी ब्रोगली वेवलेंथ जब आप इलेक्ट्रॉन के लिए कैलकुलेट करते हैं तो उसका अप्रोक्सीमेट जो वेवलेंथ आएगी वो टेन रेज पावर माइनस टेन मीटर के पास में आएगी तो यहाँ से हम लोगों को पता लग जाएगा कि भाई और ये क्या चीज़ है एटम का साइज है राइट तो एटम जब मैं बोल रहा हूँ तो ऑब्वियस है कि मेरे माइंड में इलेक्ट्रॉन है और वो इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ तक मुझको मिलेंगे तो वही एटम को डिफाइन करते हैं राइट ये कोई भी एटम है राइट right? तो उसका जो साइज़ है एटम का जो साइज है और इसको सिंप्लीफाई और ऐसे कर दें ये सपोज किया ये एटम है इसको जब माइक्रोस्कोपिकली देखते हैं तो सेंटर में न्यूक्लियस हैं और फिर उसके दूसरे सेल हैं और फिर फर्दर ऑर्बिटल्स हैं तो मैं इसको देख रहा हूँ कि ये एटम है तो ये एटम का जो साइज़ है हम लोगों को पता है कि वो ऑफ द ऑर्डर रेज पावर माइनस टेन मीटर का है और जब मैं यहाँ एक इलेक्ट्रॉन की डीप्रोगली वेबलेंथ फाइंड आउट कर रहा हूँ तो वो कितनी है टेन रेज पावर माइनस नाइन मीटर दैट मीन्स कि वो कंपेरेबल है इट मीन्स कि इलेक्ट्रॉन जो है वो हम लोगों को ये तो बता ही रहा है कि वो एटम के अंदर एग्जिस्ट करता है इसके साथ साथ में उसने इंफॉर्मेशन भी प्रोवाइड कर दी है अबाउट टू दी एटम कि वो अब अगर हम लोगों को एटम को स्टडी करना है एटम को कैरेक्टराइज करना है तो विद दी हेल्प ऑफ डी ब्रोगली वेवलेंथ वी कैन बेसिकली डू दैट एक्सरसाइज तो कोई भी जब एटम हम लोगों को स्टडी करना है तो उसकी डी ब्रोगली वेवलेंथ के थ्रू भी वो स्टडी हो सकता है और एक जो कंपेरिजन यहाँ पे आपने देख लिया अब प्रोटोन के केस में क्या था ये रेज पावर माइनस ट्वेल्व आया जैसे तो यहाँ ये अब जो न्यूक्लियस का साइज है ऑब्वियस है कि वो एटम से छोटा है और वो टेन रेज पावर माइनस फोर्टीन मीटर और टेन रेज पावर माइनस फिफ्टीन मीटर ऐसा हम लिखते हैं फर्मी में लिखते हैं फर्मी वन फेमटोमीटर इज इक्वल टू टेन रेज पावर माइनस फिफ्टीन मीटर तो ऑब्वियसली तो ये जो साइज टेन रेज पावर माइनस फोर्टीन है तो ये कंपेरेबल है यहाँ पे टेन रेज पावर माइनस ट्वेल्स को आप यहाँ से सिम्पलीफाई कर सकते हैं तो जो वेवलेंथ आपको मिली प्रोटोन के लिए वो न्यूक्लियर साइज के इक्वलेंट मिली है तो ये यहाँ से क्लियर हुआ है कि भाई ये जो प्रोटोन है ये एसोसिएट है विद दी न्यूक्लियस और इस तरीके से हम ये इन्फॉर्मेशन फाइंड आउट कर सकते हैं तो एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सिंपली एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम नहीं है दैट कैन प्रोवाइड दी इंफॉर्मेशन टू मच सो यहाँ अब कोई भी फ्यूचर में अगर आपको कंसेप्ट मिलता है या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलता है या फिर इस तरीके की कोई न्यूमेरिकल प्रॉब्लम डिजाइन हुई है तो वहाँ आप उस इलेक्ट्रॉन की डिब्रोगली वेव लेंथ के बेस पे उसका एटम का साइज डिफाइन कर सकते हैं और प्रोटॉन या न्यूट्रॉन की जो डिब्रोगली वेव लेंथ है उससे आपके न्यूक्लियर के साइज़ की डिटर्मिनेसन होगी तो इस तरीके से ये बेसिक कंसेप्ट आ, हम लोग यहाँ पे यूज कर रहे हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम ले लेते हैं अगर आपका माइंड अभी तक सही चल रहा है और यू हैव सम काइंड ऑफ इंटरेस्ट इन टू दी जो कंसेप्ट मैं बोल रहा हूँ और जिस तरीके से बता रहा हूँ राइट right. तो मेरा जो पर्पज़ है अभी ये आ, मैं प्लस टू की क्लासेस के लिए आ, ये स्टार्ट किया है कि उनको उनकी कंपटीशन के फॉर्म में और दूसरे जो बेसिक कंसेप्ट रिलेटेड टू तो द फिजिक्स हैं एक्चुअली वो उनको पता लगें राइट right. तो यहाँ अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं और आप पानी साथ में पीते रहें आई होप कि जो बेसिक कंसेप्ट है यू विल इन्जॉय तो कैलकुलेट द डी ब्रोगली वेबलैंथ ऑफ ए प्रोटोन オブ काइनेटिक एनर्जी 500 इलेक्ट्रॉन वोल्ट डायरेक्ट काइनेटिक एनर्जी इज गिवन राइट और प्रोटॉन कैसा पार्टिकल है चार्ज पार्टिकल है तो यहाँ काइनेटिक एनर्जी इज गिवन 500 इलेक्ट्रॉन वोल्ट द मास ऑफ प्रोटॉन इज 1.67 10 रेज पावर -27 केजी h इज गिवन दिस वन 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इन टर्म्स ऑफ द जूल वो है इतना फार्मूला क्या होगा फार्मूला इसके लिए क्या फार्मूला यूज करेंगे आप लैमडा इज इक्वल टू एच अपॉन स्क्वायर रूट टू एम ई वी राइट तो ये यहाँ इलेक्ट्रॉन काइनेटिक एनर्जी है जो 500 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया है राइट तो अब इलेक्ट्रॉन ये यहाँ एच पी वैल्यू दे दिया है वन इलेक्ट्रॉन वोल्ट दे दिया तो इंस्टेड ऑफ इट आप उसकी वैल्यू जोल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं तो वो वैल्यू जब आप यहाँ कन्वर्ट करेंगे तो आपको वो रिजल्ट डायरेक्टली ये मिल जाएगा तो ये क्वेश्चन था लेमडा इज इक्वल टू एच अपॉन टू एम के से मास दी प्रोटोन दे दिया है तो यहाँ लेमडा इज इक्वल टू एच अपॉन स्क्वायर रूट टू एम एंड दिस काइनेटिक एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी वन इलेक्ट्रॉन फाइव हंड्रेड इलेक्ट्रॉन वोल्ट है और फाइव ए वन इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू वन पॉइंट सिक्स इंटू टेन इज पावर माइनस नाइनटीन जू राइट तो ये कन्वर्ट कर दिया है तो काइनेटिक एनर्जी को आपने डायरेक्टली इस फॉर्म में रख दिया मास वो है वन पॉइंट सिक्स सेवन जैसे अभी आपने पहले देखा था माइनस ट्वेंटी सेवन के जी मास ऑफ द प्रोटोन एंड मास ऑफ द न्यूट्रॉन इज ऑलमोस्ट सेम बट न्यूट्रॉन का मास जो है वो ज़्यादा है एज कंपेयर टू द न्यूट्रॉन सॉरी एज कंपेयर टू द प्रोटोन ये मास ऑफ द न्यूट्रॉन मैं ही भूल गया कि, कि ज़्यादा है मास ऑफ द प्रोटोन से राइट और ये अभी आप मास ऑफ द प्रोटोन देख रहे हैं अब ये वैल्यू पुट करेंगे एच इज ऑलरेडी गिवन तो इसका सोलूसन आपको मिल जाएगा आप इसको करके देखें थर्ड uh, क्वेश्चन है फॉर व्हाट काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए न्यूट्रॉन विल बी एसोसिएटेड डी ब्रोगली वेव लेंथ b पावर माइनस टेन मीटर मास ऑफ द न्यूट्रॉन इज गिवन वन पॉइंट सिक्स सेवन फाइव इंटू टेन रेज पावर माइनस ट्वेंटी सेवन और इससे पहले के, के केस में जो है यहाँ वन पॉइंट सिक्स सेवन है और यहाँ वन पॉइंट सिक्स सेवन फाइव है right? बहुत छोटा डिफरेंस है बट न्यूट्रॉन का मास ज़्यादा है एज कंपेयर टू द प्रोटोन मास हम लोगों को इस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में क्या करना है वाट काइनेटिक एनर्जी उस पार्टिकल की न्यूट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी कितनी हो कि उसकी डीब्रोगली लेंथ हमको ये मिले तो यहां जो फाइंड आउट करना है वो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द न्यूट्रॉन फाइंड आउट करना है वो अननोन है और न्यूट्रॉन की जो डी ब्रोगली वेव लेंथ है वो गिवन है 1.40 पॉइंट फोर जीरो इंटू टेन रेज पावर माइनस टेन मीटर और क्या दिया है न्यूट्रॉन का मास दिया है मास ऑफ द न्यूट्रॉन इज वन पॉइंट सिक्स सेवन फाइव इंटू टेन रेज पावर माइनस ट्वेंटी सेवन के जी एच ऑलरेडी गिवन हैज पावर माइनस थर्टी फोर जूल सेकेंड सो फार्मूला क्या है यू नो वेरी वेल लेमडा इज इक्वल टू एच अपॉन स्क्वायर रूट टू एम इंटू काइनेटिक एनर्जी तो इस फार्मूले में काइनेटिक एनर्जी अननोन है मास गिवन है लैम्डा गिवन है एच गिवन है फाइंड आउट दी काइनेटिक एनर्जी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करो तो यहाँ से आपको डायरेक्ट इसकी वैल्यू मिलेगी अब इस, यह क्रिस्टल डिफ्रेक्शन इस ये जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है क्रिस्टल डिफ्रेक्शन एक्सपेरिमेंट्स कैन बी परफॉर्म यूजिंग एक्सरेज ऑफ इलेक्ट्रॉन यूजिंग एक्सरेज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स Accelerated through approximate uh, voltage, which probe an X ray photon or an electron has greater energy? Which probe an X ray photon or an electron has greater energy? Take the wavelength of uh, either probe equal to one angstrom, which is of the order of uh, in. एटॉमिक स्पेसिंग इन क्रिस्टल लेटिस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इससे पहले ये क्वेश्चन एक्चुअली जब uh, मैं पढ़ रहा हूं या आप पढ़ेंगे तो आपको डेविसन एंड जर्मर का एक्सपेरिमेंट जो है वो क्लियर हो क्योंकि ये प्रॉब्लम वहां से ली गई है तो इसके लिए एक यहां मैंने जो है पिक्चर रखी हुई है और उस पिक्चर से मैं आ, आपको बता दू कि डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट में इस टाइप से आपका एक क्रिस्टल है उस क्रिस्टल के अंदर ये डिफरेंट जो लेयर हैं ये लेटिस पॉइंट लेटिस हैं और लेटिस पॉइंट पे ये एटम्स हैं इसको अगर आप थ्री डायमेंशनल व्यूज में देखते हैं जैसे कि सोडियम क्लोराइड का एक सिंपल सा एग्जाम्पल है उसको आ, मैं यहाँ यूज कर रहा हूँ तो यहाँ जब आप देखते हैं तो मैंने क्या किया ये डिफरेंट डिफरेंट लेयर हैं ऊपर के लेयर फिर उसके बाद में ये दूसरी लेयर नीचे आई इसके और फिर ये तीसरी लेयर इस तरीके से ये नीचे आई तो जब मैं पहली लेयर ये जो अपर लेयर है ठीक है ऐसे ये अपर लेयर होगी फिर मिडिल लेयर हुआ फिर सबसे बॉटम लेयर हुआ तो अपर लेयर और मिडिल लेयर के बीच में आपका जो स्पेसिंग है वो डी है एटॉमिक स्पेसिंग जो है वो डी है और जब मैं इन पॉइंट्स को ज्वाइन करता हूँ इस टाइप से तो एक यूनिट सेल फॉर्म होता है तो एक कोई रे जब यहाँ पे फॉल होगी या कोई भी लाइट हो या एक्सरेज हो या इलेक्ट्रॉन बीम होगी तो वो क्या करेगी यहाँ स्केटर्ड हो जाएगी इस एटम से और ऐसे निकल जाएगी और ये ये दूसरी वेव होगी या फिर दूसरा पार्टिकल होगा और वो यहाँ से स्केटर्ड ऐसे हो जाएगा और यहाँ इंपॉर्टेंट पॉइंट ये रखा जाता है ध्यान में कि ये जो दोनों है एक वेव फ्रंट इनका है एक फेस में ये आए थे उसी फेज में ये यह यहाँ से रिफ्लेक्ट होगा या स्केटर्ड होगा इसी फेज में ये यह पार्टिकल यहाँ से स्केटर्ड होगा तो इनके पाथ के बीच में जो डिफरेंस है एक्चुअली दैट दैट कंसेप्ट जो है आपको माइंड में रखना है तो दो पिक्चर यहाँ पर है आई डोंट नो कि अभी आप उस पॉइंट को पकड़ पा रहे हैं या नहीं पकड़ पा रहे हैं लेकिन जैसा मैंने अभी बताया था कि डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट जो है यू कैन विजिट दैट और उसको आप फाइंड आउट कर सकते हैं जो वेबसाइट का डेस्क्रिप्सन मैं बता रहा हूँ अपनी फिजिक्स डॉट कॉम और यहाँ पर आप इसको फाइंड आउट कर सकते हैं तो वो डिटेल में मैंने बता दिया है इंस्टेड ऑफ कि अभी मैं यहाँ करूँगा तो यही एक छोटा सा जो कंसेप्ट है डी ब्रोगली का ये टू आवर्स का प्रॉब्लम हो जाएगी तो मैं जहाँ प्रॉब्लम आपको बता रहा हूँ और जिस प्रॉब्लम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को लेकर के चले हैं तो उसका ये क्रिस्टल डाइफ्रेक्सन एक्सपेरिमेंट्स ये आपने कहाँ स्टडी किया डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट में कैन बी परफॉर्म यूजिंग एक्सरेज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक्सेलरेटिड थ्रू अप्रोप्रिएट वोल्टेज राइट तो दो यहाँ पॉइंट यहाँ बता रहे हैं कि जो ये आप इन्हें ये एक्सपेरिमेंट किया है डाइफ्रेक्शन का ये इस तरीके से किया है तो यहाँ से जो आपको मिल रहे हैं एक्सरे फोटोन मिलते हैं और इलेक्ट्रॉन मिलते हैं तो इनमें से दोनों में से किसकी एनर्जी ज़्यादा होगी टेक देंथ ऑफ आई दर प्रोब इक्वल टू वन एंग स्ट्रॉम तो अभी लेमडा जो है वो दोनों केसेज के लिए वन एंग स्ट्रॉम दे दिया है विच इज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटर एटोमिक स्पेसिंग जो मैं अभी आपको लेटिस बता रहा था लेयर के बीच का डिस्टेंस डी तो उसको इंटर एटोमिक डिस्टेंस बोलते हैं वो दे दिया है विच इज ऑफ द क्रिस्टल लेटिस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज गिवन एच इज गिवन सी इज गिवन राइट right. तो दो आए तो एक तो एक्सरे तो एक फोटोन आया और दूसरा जो है आपका ये आ, पोर माई इसके इसके अंदर तो आप दोनों के लिए एनर्जी को फाइंड आउट कर सकते हैं ई इज इक्वल टू एच सी अपॉन लेमडा राइट लेमडा जो आप यहां बता रहे हैं वो वन एंगस्ट्रॉम के पास में बता रहे हैं कि भाई वन एंगस्ट्रॉम जो है आपका लेमडा रहेगा सी आपको पता ही है तो ये केस आपका चाहे फोटोन का लें आप एक्सरे का जो फोटोन है उसके लिए और चाहे आप ये इलेक्ट्रॉन के लिए लें ठीक है तो दोनों केसेस के लिए ये आपका ये फार्मूला सेम रहेगा सब अब ये यहाँ पर आप फाइंड आउट कर लेंगे सबसे पहले ई इज इक्वल टू एच सी अपॉन लेमडा जो यहाँ पर इन्होंने किया है सिक्स पॉइंट सिक्स थ्री इंटू टेन रेज पावर माइनस थर्टी फोर थ्री इंटू टेन रेज पावर एट पॉजिटिव एट मीटर पर सेकेंड और ये जूल सेकेंड में था जूल और सेकेंड अपॉन लेमडा इज इक्वल टू वन इंटू टेन रेज पावर माइनस टेन मीटर वन एंगस्ट्राम लिखा है तो ये वन एंगस्ट्राम को आप वन इंटू टेन रेज पावर माइनस टेन मीटर में डायरेक्ट आंसर इसका मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पर तो वो है वन पॉइंट नाइन नाइन इंटू टेन रेज पावर माइनस फिफ्टीन जोल राइट तो ये जो है आया यहां पर फोटोन के केस में आया तो एनर्जी इतनी है और इसको आप फिर चाहे तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं क्योंकि वन इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू तो लास्ट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में आपने देखा था कि इज इक्वल टू वन पॉइंट सिक्स इंटू टेन रेज पावर माइनस नाइनटीन ठीक है ये जूल तो यहाँ जूल है तो इसको कन्वर्ट करेंगे तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगा ये वन पॉइंट टू फोर इंटू टेन पावर फोर इलेक्ट्रॉन वोल्ट राइट्स एंड नाउ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन डी ब्रोगली वेव लेंथ उसके लिए फाइंड आउट करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी जो हम लोग फाइंड आउट करेंगे इलेक्ट्रॉन के लिए अब उसके लिए क्या फार्मूला होगा बता सकते हैं मैं कौन सा फार्मूला यूज करूँ लेमडा इज इक्वल टू एच अपॉन स्क्वायर रूट टू एम इन टू काइनेटिक एनर्जी ये फार्मूला यूज कर लेंगे और यहाँ से आप जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे लेमडा स्क्वायर एच स्क्वायर और वो सब करने के बाद में जो यहाँ इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी मिलेगी आपको मैं डायरेक्ट यहाँ से देख करके लिख रहा हूँ वन फिफ्टी पॉइंट सिक्स इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो ये इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है और ये फोटोन की एनर्जी है तो ये वन फिफ्टी है और ये वन पॉइंट टू फोर इन टेन रेज पावर फोर तो किसकी एनर्जी ज़्यादा है फोटोन की एनर्जी ज़्यादा है राइट right? तो अब ये फोटोन की एनर्जी ये इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है विच इज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंट एटोमिक स्टैंड क्रिस्टल लाइट अब यहाँ अगर इसको क्वेश्चन को एनालाइज करते हैं इसके रिजल्ट को एनालाइज़ करते हैं बिकॉज एवरी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम गिव्स ए काइंड ऑफ हिंट तो इलेक्ट्रॉन से जब आप डायफ्रैक्शन करते हैं किसी भी आ, जो आपने मैटर लिया है ठीक है जैसे डेविशन एंड जर्मर में निकल लिया है तो एक आप इलेक्ट्रॉन की बीम ले रहे हैं और एक आप एक्सरेज की बीम ले रहे हैं तो विच वन विल पेनिट्रेट मोर इनसाइड साइड दी मैटर तो किसकी एनर्जी ज्यादा है या एक्सरेज़ के फोटोन्स जो है उनकी एनर्जी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू द इलेक्ट्रॉन्स के जो एनर्जी है तो यहाँ पर आ, मेरा जो अभी कंक्लूजन आएगा वो ये होगा कि दिस एक्स रेज के जो फोटोन हैं दे कैन पेनिट्रेट दैट मटेरियल मोर एज कंपेयर टू दी जो इलेक्ट्रॉन है तो इस तरीके से यहाँ से इसका कंक्लूजन आ जाएगा और उसके बाद अभी आई डोंट नो कि आ, आप मेरे साथ में हैं या नहीं है या फिर मैं ऐसे ही चलता रहूं क्योंकि कुछ क्वेश्चन जो हैं वो डायरेक्टली हैं और कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो अभी डायरेक्ट फार्मूले ना ले करके उनको डिफाइन किया है तो मैं एक छोटा सा क्वेश्चन यहाँ पर ले लेता हूँ ट्रू और फाल्स का और फ्यूचर में आप जैसा मुझको बताएंगे कि मुझको एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम रखना चाहिए या ज़्यादा रखना चाहिए जब मैं ऐसे वीडियो बना रहा हूँ इतना लेंदी हो रहा है तो उस केस में भी आप मुझको सजेस्ट कर सकते हैं कि टू थ्री अननोन या आप मुझको सजेस्ट कर दें कोई न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स कि ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं तो उस केसेज को हम फिर यहाँ पर स्टडी कर सकते हैं एक ट्रू और फॉल्स का क्वेश्चन हम कंसिडर कर लें कि द डी ब्रोगली वेवलैंड ऑफ एन इलेक्ट्रॉन डिक्रीजिज एज इट मूवज फ्रॉम द लोवेस्ट अलाउड ऑर्बिट टू हायर ऑर्बिट तो बोहर के एटॉमिक मॉडल में हम देखते हैं कि ये सेंटर पार्ट न्यूक्लियस है फिर फर्स्ट सेल सेकंड सेल थर्ड सेल तो जैसे जैसे हम हायर सेल की तरफ को चलते हैं क्वेश्चन ये है कि डी ब्रोगली वेव लेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन डिक्रीज क्या ये डिक्रीज करती है जब हम चलते हैं एक हायर एनर्जी के सेल की तरफ को तो ये ट्रू है या फॉल्स है ये हमको बताना है तो यहाँ पर आ, इसको जब एनालाइज करते हैं तो दो को, जो है ना कंसेप्ट यहाँ पर चलते हैं एक तो ये कि भाई ई ये जो एनर्जी लेवल है ये हायर एनर्जी लेवल है फिर ये उससे कम फिर ये उससे कम राइट ये कंसेप्ट है तो ई थ्री इज ग्रेटर देन ई टू ई टू इज ग्रेटर देन E1 अगर जैसा इन जनरल हम देखते हैं लेमडा इज इक्वल टू एच एप ओन एम है और एम को जब हम लोग देखते हैं तो एक का एनर्जी की फॉर्म में फार्मूला ई इज इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉइंट टू एम किसी के माइंड में आ सकता है कि एनर्जी इज इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉइंट टू एम भी तो है तो वो जो फार्मूला है काइनेटिक एनर्जी इज वल टू पी स्क्वायर अपॉइंट टू एम तो वहाँ पर कोई फार्मूला किसी ने देख लिया कि वो ऐसे लिखा है तो वो लिख देगा पी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट टू एम ई तो यहाँ जब आप देख रहे हैं और इसको फिर डिब्रोगली वेव लेंथ के फार्मूले में पुट करेंगे लेमडा इज इक्वल टू एच अपॉन एम ई ऐसे करके तो ई जितना बड़ा होगा लेमडा उतना छोटा होता जाएगा तो अब जैसे जैसे एनर्जी बढ़ रही है तो ये वेव छोटी होगी यस अकॉर्डिंग टू दिस अगर किसी को ये कंसेप्ट उसके माइंड को स्ट्राइक कर गया और उसने इस फार्मूले को यूज किया तब तो आंसर आपका गलत है क्योंकि ये फार्मूला तो ये बता रहा है कि जैसे जैसे एनर्जी इंक्रीज करेगी वेव लेंथ डिक्रीज करेगी बट इन एक्चुअल जो राइट right रिजल्ट है वो रिजल्ट क्या है वो ये फार्मूला है बोर्स थ्योरी के अकॉर्डिंग v जो है जेड स्क्वायर अपॉन टू एच एफ साइड नॉट इन टू वन अपॉन एन एन इज द नंबर ये वन टू थ्री जो इनके सेल के नंबर है और v जो स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रॉन है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है टू दी एन जैसे जैसे ये हायर एनर्जी की साइड को जाएगा इलेक्ट्रॉन की जो वेलोसिटी है वो कम होती जाएगी राइट right? तो V2 जो होगा वो v1 वन अपॉन टू के होगा V2 मैं में कब बोल रहा हूँ जब वो इस एनर्जी स्टेट के अंदर है इस सेल के अंदर है V3 थ्री में जब कब बोल रहा हूँ जब वो यहाँ पर है तो अब इनकी जो स्पीड है ठीक है V1 जो है वो ग्रेटर देन V2 है V2 टू ग्रेटर देन वी है दैट मीन्स कि जब इलेक्ट्रॉन यहाँ है उसकी स्पीड V1 है ये V2 है ये V3 है तो सबसे ज़्यादा कब है जब वो V1 पहले में है फिर V2 टू यहाँ कम यहाँ और भी कम तो अब ये जो है वेलोसिटी तो कम होती जाएगी जैसे जैसे सेल की तरफ को बढ़ते जा रहे हैं बड़े सेल की तरफ को बढ़ते जा रहे हैं तो इसका जो रिलेशन है जब हम डिब्रोगली वेवलेंथ के अंदर रखते हैं लेमडा इज इक्वल टू तो एच एपोन एम वी के अंदर तो यहाँ वी जो है वो घटता जा रहा है राइट जैसे जैसे हम बढ़ते जा रहे हैं तो वी घटता जा रहा है जैसे वी लेमडा वन इज इक्वल टू एच एपोन एम v2 के लिए लेमडा 2 कितना होगा एच एप वी वन कितना है v1 की वैल्यू आ, v2 की वैल्यू हम पुट कर देंगे जो v2 है v1 वन अपॉन्ट टू है तो ये जैसे पुट की तो वो टू लेमडा वन हुआ तो अब जो डी ब्रोगली वेव है सेकेंड केस के अंदर वो तो पहले केस में जो थी उससे भी ज़्यादा बड़ी हुई है राइट तो इस तरीके से हम देखते हैं कि लेमडा थ्री के अंदर जो वेवलेंथ है वो ज़्यादा है राइट लेमडा थ्री किसके लिए वेवलेंथ लेंथ है इस थर्ड के लिए लेमडा टू किसके लिए है इसके लिए लेमडा वन किसके लिए इसके लिए तो लेमडा वन जो है वो इंक्रीज करती है राइट लेमडा वन जो है वो कैसे हो रही है अभी ये इंक्रीज नहीं करती डिक्रीज करती है सॉरी यहाँ पर मैं गलत बोल गया ये लेमडा थ्री इज ग्रेटर देन लेमडा टू ग्रेटर देन लेमडा वन और इस बेस पर जब आप इसको देखते हैं और ये मैंने यहाँ पर कैलकुलेट करके बता दिया है डी ब्रोगली लेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन डिक्रीज नो no, इट इनक्रीज ये इंक्रीज़ करता है भाई आज ये मेरा प्लस टू के लिए पहला लेक्चर है और आज की जो डेट है वो है बाईस तारीख बाईस दस दो हज़ार तेईस और मैं उनके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम उनके बेसिक कंसेप्ट जिससे उनकी ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम रिजोल्व हो उसके लिए ये ट्राई कर रहा हूँ कि उन तक ये कंसेप्ट पहुँच जाए और सही तरीके से पहुँचें सही डायरेक्शन में जाएँ और अगर मुझसे कोई गलती है तो या गलती हुई है तो मैं ध्यान रख रहा हूँ लेकिन जैसे अभी अभी हो गया है तो फिर उसके लिए भी तो यहाँ ये मैंने सोल्व करके आपको बता दिया है ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी है और ये एक जो कंसेप्चुअल पार्ट है वो भी है तो जब मैं आपको ये डाइफ्रैक्शन समझा रहा था तो उस टाइम पे यहाँ एक पॉइंट एक्चुअली uh, लिखना चाहिए मुझको कि ये जो पार्ट है यहाँ सो किया है डी साइन थीटा है कि इसमें और इसमें जो है पाथ डिफरेंस कितना आएगा ये टू जो वेव्स है जब मैंने पहले समझा दिया था तो ये जो टू वेव्स हैं रिप्रेजेंट कर रही हैं जो अभी तो इनके बीच में डी साइन थीटा क्योंकि डी इस पे ये यह यहाँ से यहाँ के बीच में डिफरेंस जो है डी है तो ये एंगल थीटा है तो यहाँ ये यह जो लेंथ जब निकालेंगे आप तो वो डी साइन थीटा होगा ये भी डी साइन थीटा होगा दोनों मिलके ये टू डी साइन थीटा हो जाएगा तो टू डी साइन थीटा ये टोटल पाथ डिफरेंस आया बिटवीन ये जो टू वेव्स हैं तब ये जाके यहाँ पे इंटरफेयर करती हैं फिर ये जो डाइफ्रेक्टिड हुई थी वेव्स ये इंटरफेयर करती हैं तो जो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेयर है इंटरफेरेंस होगा उसकी क्या कंडीशन है उसकी कंडीशन है टू डी साइन थीटा ये जो पाथ डिफरेंस है ये इंटीजर मल्टीपल होगा इंटीजर ऑप इंटीगल मल्टीपल होगा ऑफ वेवलेंथ दी तो टू डी साइन थीटा इज इक्वल टू एन लैमडा इसलिए पहला ऑप्शन ठीक है Uh, एक क्विज़ का क्वेश्चन है क्योंकि मुझको ये सब कम्पली लिखा था तो आई वांट कि वो सब कुछ इसमें इंक्लूड हो जाए और आपको चाहे जहाँ पर भी जितनी देर भी जो भी कुछ चीज़ मिलेगी तो कुछ ना कुछ मिलेगी आपने पहले स्किप कर दिया यहाँ पे पहुँचे यहाँ पे कुछ चीज़ मिलेगी तो उस वे में मैंने सभी आइडिया जो है इस वीडियोज़ के अंदर इंक्लूड कर लिया तो आई होप कि चाहे वन आवर का है चाहे फिफ्टी मिनट्स का है उसमें आपको वो कोई भी एक चीज़ मिल जाए तो यहां द वेवलेंथ तो ऑफ द डी ब्रोगली वेवस एसोसिएटेड विद ए मूविंग पार्टिकल इज इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स फोर ऑप्शन है ये मास से इंडिपेंडेंट है अभी आपने न्यूमेरिकल प्रॉब्लम कर लिए तो उसमें मास आया था चार्ज आया था वेलोसिटी एंड मोमेंटम तो क्या चीज इसमें नहीं है जो डी ब्रोगली वेवलेंथ आपने अभी स्टडी की है चपोन एम वी मास है वेलोसिटी है मोमेंटम है तो लैम्डा इज इक्वल टू जब आप अपॉन पी लिखते हैं लेकिन चार्ज नहीं है तो ये ऑप्शन नहीं है राइट right? तो द वेव लेंथ ऑफ डी ब्रोगली वेव्स एसोसिएटेड विद मूविंग पार्टिकल इज इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स चार्जेस नेक्स्ट विच वन ऑफ द फॉलोइंग पार्टिकल्स मूविंग विद सेम वेलोसिटी हैज़ लॉन्गेस्ट वेव्स एसोसिएटेड विद इट अब ये देखिए कि प्रोटॉन का जो मास है न्यूट्रॉन का जो मास है एल्फ़ा पार्टिकल का जो मास है बीटा पार्टिकल का मास है क्योंकि लैम्डा जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू दी मास भी है तो सबसे बड़ी जो वेवलेंथ होगी वो किसकी होगी जिसका मास सबसे कम होगा तो एल्फा पार्टिकल ये सबसे ज़्यादा हैवी है उसके बाद में न्यूट्रॉन फिर है फिर तीसरे नंबर पे प्रोटॉन है और फोर्थ नंबर पे जो है वो बीटा पार्टिकल है तो बीटा पार्टिकल का जो मास है वो सबसे कम है तो इसकी जो वेव लेंथ होगी वो सबसे ज्यादा होगी बीटा पार्टिकल इलेक्ट्रॉन्स को ही बोलते हैं राइट right? न्यूट्रॉन का मास अभी आपने देखा वन पॉइंट सिक्स सेवन फाइव प्रोटोन का देखा वन पॉइंट सिक्स फाइव तो ऐसे करके टेन इज पावर माइनस ट्वेंटी सेवन के जी ये माइनस थर्टी वन के जी है एल्फा पार्टिकल का एग्जैक्टली आई डोंट रिमेंबर अभी लेकिन वो और भी ज्यादा होगा क्योंकि इसमें टू प्रोटॉन और ये न्यूट्रॉन भी है तो ये 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 सबसे लाइटर पार्टिकल सो इसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा होगी और द डी ब्रोगली वेव लेंथ लेमडा एन इलेक्ट्रॉन इन दी बोर ऑर्बिट इज रिलेटेड टू तो द रेडियस आर ऑफ द कुछ ऑप्शन दिए हैं कि जो डी ब्रोगली वेव लेंथ है वो किस तरीके से रिलेट करती है रेडियस के साथ में किसी भी ऑर्बिट के एन lambda इक्वल टू पाई आर एन लैमडा इज इक्वल टू टू पाई आर फोर पाई आर या थ्री बाई टू पाई आर तो जो फॉर्मूला है ठीक है एम वी आर जो है वो क्वांटाइज है अकॉर्डिंग टू द बोर तो ये जो मोमेंट ये एम वी आर होगा एल जो होगा ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम एल इज इक्वल टू आर क्रॉस पी जब ये वेक्टर फॉर्म में देखते हैं तो एल इज इक्वल टू आर और पी इज इक्वल टू एम वी तो एम वी आर रिलेशन है तो एम बी आर इज इक्वल टू एन एच अपॉन टू पाई तो यहां से हम जब आप देखते हो इसको तो आर को इज इक्वल टू सिंप्लीफाई करेंगे तो आर इज इक्वल टू एन अपॉन टू पाई इन टू ये डी ब्रोगली वेवलेंथ तो टू पाई आर इज़ इक्वल टू एन लैमडा और ये ऑप्शन ठीक होगा इसलिए सो इन दिस वीडियो एक्चुअली आई हैव ट्राइड कि मैं जो बेसिक कंसेप्ट है वो आपको दे पाऊँ और uh, आपके पास तक उन कंसेप्ट को पहुँचा पाऊँ uh, इस तरह से सो so, आज की इस वीडियो में आई uh, होप कि कुछ बेसिक कंसेप्ट आपको पता लगे होंगे और कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं वो ज़्यादा अगर मैं बहुत ज़्यादा यूज करूँगा तो ऑबियस है टाइम कंज्यूमिंग रहेंगी उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है कंसेप्चुअल क्वेश्चन हैं तो वो सबको इंक्लूड कर लिया है तो बिकॉज ऑफ दैट कुछ ये फिजिक्स uh, तो फिजिक्स है अब वो उसमें uh, जो टेस्ट आपको आया जो अच्छा लगा तो ये सब आप देख सकते हैं एंड दिस इज़ माय वेबसाइट अपनी फिजिक्स .डॉट कॉम और uh, जो आपके uh, बेसिक टॉपिक्स थे जो डेविशन एंड जर्मर का था या दूसरा था वो सब uh, ये रहा तो आज के लिए uh, थैंक्स और जो भी आप uh, कमेंट करके मुझको बता सकते हैं कि कहाँ क्या प्रॉब्लम आई या क्या किस तरीके से मुझको यूज करना चाहिए अभी इस चैप्टर को और फर्दर चैप्टर को तो मैं उस तरीके से लेकर के चल रहा हूँ सो so, अभी तो थैंक uh, यू आपका कि आपका अगर मेरे साथ में रहे तो आपकी ज़्यादा हिम्मत है राइट सो थैंक यू थैंक यू वंस अगेन